ये बात है। इधर सबसे पहले हम डेगची रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसमें दाने डालेंगे और उनको भूनेंगे, जैसे कि ये हो गया ब्राउन ब्राउन करेंगे उनको। अच्छा ऐसे जी, ये तिल है। हाँ। अच्छा जी सही हो गया। अच्छा चास तैयार हो गया है। तो अब मैं ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, हाँ जी हो गया तैयार जी, हो गए। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे पिन्ने तैयार हो गए हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रिवर्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो जो हमारे चैनल पर नहीं हुआ आते हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। रिवर्स सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। रिवर्स आज जुम्मे का दिन है, मैं काम पे गया था तो हम 12 बजे वापस आ गए काम से। वो क्यों आए? 12 बजे मिस्त्रियों ने छुट्टी कर दी थी और जो हमारा गोदा है तो उसकी मजबूरी बन गई, फिर उसने छुट्टी देनी थी क्योंकि मिस्त्रियों ने छुट्टी कर ली थी और मजदूरों का फिर उधर कोई काम नहीं था, तो फिर हमें भी छुट्टी हो गई। अब तकरीबन 1 बज रहे हैं। पीवर्स एक और बात बताऊं, ये पता नहीं क्या चीज़ बना रही है, इसने मुझे भी नहीं बताया, इसे मैं पूछता रहा कि क्या चीज़ बना रही है। इसने कहा है नहीं आज आपको व्यूवर्स के साथ ही बताऊंगी, व्यूवर्स को भी बताऊंगी और आप भी सुन लेना कि मैं क्या चीज़ बना रही। मैंने कहा चलें जी ठीक है, यानी बताती हूँ। हाँ तो बता दें। हाँ व्यूवर्स, मैंने आप लोगों को एक पिछली वीडियो में बताया था कि इस साथ वाली बस्ती में मेरी एक खाला बनी हुई है, तो उन्होंने ना मुझे अचानक से अपने घर बुलाया कि आप मेरे घर आओ। मैंने पूछा क्या बात है, कोई काम है? उसने कहा चुप करके बस आप मेरे घर आ जाओ। जब मैं उनके घर गई तो वो एक रेसिपी बना रही थी और उस रेसिपी को मैंने देखा गौर से, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि जब मैं गई ना तो वो बन गई थी, मतलब कि थोड़ी सी रहती थी। अच्छा फिर उसने मुझे ये उनको कहते हैं जो वो बना रही थी, उनको कहते हैं पिन्ने, वो पिन्ने बना रही थी। पिन्ने हाँ जी, जब मैंने खाए ना तो इतना मजा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही लजीज थे। फिर मैंने खाला से पूछा कि आपने ये कैसे कैसे बनाया, आप मुझे इसकी रेसिपी बताएं और ये जो थोड़े से ऐठा मैं ये भी मुझे दे, मैं भी घर जाके बनाऊंगी। तो उन्होंने ना मुझे ये दाने दिए थोड़े से और ये पड़े हुए हैं तिल हैं इसमें, इस चॉपर में। तो उन्होंने कहा कि ये आप बना के अपने बच्चों को भी खिलाना और अपने हस्बैंड को भी खिलाना, बड़े मज़ेदार बड़े मज़े की होती है ये रेसिपी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स से भी शेयर कर दिया जाए। अब ये भून रही है दाने। हाँ, साइड पे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ उधर। अच्छा ये हमें भी बता दें कि ये कैसे कैसे बनता है। आप इसलिए हमें नहीं बता रही कि कहीं ये भी कारीगर ना बन जाए, बना ना ले हैं? बताने की तो बात ठीक है, लेकिन आप देख भी तो रहे हैं ना। ये बात है। इधर सबसे पहले हम डेगची रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसमें दाने डालेंगे और उनको भूनेंगे, जैसे कि ये हो गया ब्राउन ब्राउन करेंगे उनको। अच्छा ऐसे जी। और इसके बाद, इसके बाद वो जो तिल पड़े हुए हैं उनको ऐसे डालना है और ये तिल वो भी मतलब एक सेकंड के लिए उनको डालना है गरम डेगची में। अच्छा जी सही हो गया। और उसके बाद, उसके बाद फिर हमने चास तैयार करनी है चीनी की। चास रसगुल्लों के लिए बनाई जाती है चास। अच्छा चास होता है, चास होता है, क्या होता है? चास हाँ जी, वो तैयार करनी है, मतलब हम तो सरायकी लफ्जों में कहते हैं शीरा। हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया, मतलब चीनी का शीरा बनाना है और ये दाने भूनने हैं और ये तिल भूनने हैं, उसके बाद ये जाके तैयार होंगे पीने। हाँ जी। खाने में कैसे होते हैं? खाने में बड़े लजीज होते हैं, मैं उधर खा के आई हूँ ना, मुझे पता है। अच्छा चलें जी ठीक है। ये देखें जी व्यूअर्स, दरख्तों के नीचे छांव पे ये बावर्ची साहब लगे हुए हैं अपने काम में। चलें जी। और अली हमजा अजवा इधर बैठे हैं चारपाई पे। ये देखें जी, ये सर पे क्यों रखा हुआ है अली हमजा? टोपी है। ये टोपी है। अच्छा जी
अच्छा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी, ये भुने हुए दाने आ गए। ये देखें व्यूअर्स, मैं तो कहती हूँ अजीना इतने ही काफी है क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, खराब ना होते, है ना। हाँ ये भी बात ठीक है आपकी, ये आपको पता क्योंकि कारीगर आप हैं, आपको बेहतर ही पता है, आप जैसे ही करें ठीक है। ये तिल है। हाँ। अच्छा जी, सही हो गया। ये देखें व्यूअर्स, अली हमजे और अजवा को पता है कोई चीज बन रही है, अब ये इर्द गिर्द आस पास ये देखें। अली हमजा, अजवा किस लिए बैठे हो? दाने खाने के लिए। अच्छा जी, ये दाने खाने नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी सही हो गया जी। तिल और गंदम वाले दाने अब मिक्स करोगी हैं? ये आप ना सोचें कि हम नहीं सीखेंगे, हम भी सीख जाएंगे आपको देख देख के। चीनी और पानी आ गया। ये जो आइटम है ये मिक्स हो चुका है। चलें जी, अब चास बन रहा है। ये ना चीनी मुझे कम लग रही थी, मैंने और डाल दिया। सही हो गया। ये है व्यूअर्स दोपहर का व्यू, ये देखें जी। अजवाली हमजा सलाम करो। क्या काम? चेयर के लिए। ये देखे मेरी बेटी भी प्रेशर डाला हुआ है, वो डर डर के बोल रही है। सलाम अलैकुम, वीडियो को लाइक करें, फिर एक सांस ली, फिर कहा शेयर करें। हाँ जी, अभी कितनी देर है? तैयार हो गई है। अच्छा, चास तैयार हो गया है। तो अब मैं ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, आज देखते हैं बेगम साहिबा की, ये हम रेसिपी कहते हैं कि ये रेसिपी आज कामयाब होती है। ये देखें जी, ये बेगम साहिबा के पिन्ने जो हैं कैसे तैयार होते हैं अब देखते हैं। ये देखें जी, जैसे गुड़ की तेसियां होती हैं, बहुत ही मज़ेदार ये तो लग रही है देखने में। अभी मुझे वैसे तरीका भी नहीं आया जैसे बनाते, कि मैं पहली बार मैं खा रही हूँ और ये बना भी रही हूँ। मुझे लगता है ये आपने जो शीरा बनाया ना, ये थोड़ा पतला था। वो तो कहते कि लड्डू जैसे लड्डू बनते हैं ना गोल। चले कोई बात नहीं है, फिर भी ये सही बना है। हाँ जी, हो गया तैयार जी, हो गए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पिन्ने तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इनमें जो है मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मेरे ख्याल से ये अच्छे नहीं बने। अच्छा, गलती क्या हुई है, मुझसे जो चास थी ना वो थोड़ी पतली रह गई थी। हाँ तो, जी मजीद आगे जो है अच्छे से करके आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही थी ना इसीलिए। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा चेक कर सकता हूँ? अच्छा जी, अरे हाँ मज़ेदार तो है। हाँ जी व्यूअर्स, मज़ेदार है, बस थोड़ी सी कमी रह गई है,
बेगम साहिबा ने जो चास बनाया है वो थोड़ा पतला रह गया है, तो इसलिए यही कमी है, बाकी कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह मज़ेदार है। चले कोई बात नहीं है, अगली बार इंशाल्लाह मज़ीद इसे अच्छा करके बनाना और अपने व्यूअर से शेयर करना इंशाल्लाह। अगर जिंदगी रही तो अगली बार सही। और व्यूअर आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ मिलके यकीने खाएं, बहुत लजीज बने हुए हैं। और अगर व्लॉग अच्छा लगे और आज की अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें। और आज के व्लॉग से लेते हैं इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।